पर आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा पड़ जाए, लेकिन मतलब मईशत बेहतर करने की किस मुल्क को फिक्र नहीं होगी, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मईशत से पहले कश्मीर की बात होगी। तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। मेरी बात सुने, इकोनॉमी अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं। तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज फिजा खलीफा का ऐसा वीडियो आप देखने वाले हैं जिसमें एक पाकिस्तानी है, एक हिंदुस्तानी और एक फिजा खलीफा है। और जो फिजा हिंदुस्तान के बारे में इतना बड़बड़ झूठ बोले जाती है, वहाँ पर अगर एक हिंदुस्तानी है तो आपको पता ही है फिर वो कैसे मुंह तोड़ जवाब देने वाला, और इस काम में हमारे दुबे जी माहिर है। तो आप वीडियो का मजा लीजिए, आपका भाई मिलेगा आखिरी में, और ये न्यूज वीडियो है। ठीक है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उनकी हलफबरदारी के चंद मिनटों के अंदर ही मुबारकबाद पेश करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अमन की बात कही थी, मगर सवाल ये कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन अमान के बयान हकीकी रूप धार सकेंगे? माजी में नवाज शरीफ ने भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मसला कश्मीर पर बात भी की, मगर मजलूम कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म का शिकार है। तो इसलिए जो है मैं आज अपने इस वीडियो प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाजत दें, मेरे बच्चों की जानों को खतरा है, पाकिस्तान के जेर इंतजामिया चूंकि वो गिव अप नहीं कर रही और इंसाफ के लिए आज भी लड़ रही है, इसलिए अब उसकी जान को उन्हीं गैंग रेप के जो लोग थे उन लोगों से खतरा है। निहत्ते कश्मीरियों को आज भी मारा जा रहा है, और जब तक ये मसला हल नहीं होता भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए जाना नामुमकिन नजर आते। कश्मीर तो कश्मीर, खुद भारत भी मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। भारतीय सूबे मध्य प्रदेश की इंतजामिया ने रामनवमी के जुलूस पर मुबैना पथराव के इल्जाम में मुसलमानों के दर्जनों मकानात दुकानें मिसमार कर। अच्छा, दूसरी जानिब गुजरात में एक बार फिर तसादुम के वाकियात पेश आए जिसमें भारतीय पुलिस के तशद्दुद से दर्जनों मुसलमान शदीद जख्मी हो गए, जबकि कई की हालत अब भी। फिजा खलीफा जी, आप कितना झूठ बोलती हो, थोड़ी शर्म कर लियो। और जिन मुसलमानों पे अगर आज पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उन मुसलमानों ने किया क्या, वो तो अपनी ऑडियंस को बताओ, अपने आवाम को बताओ, पूरी दुनिया को बताओ, चीख चीख के बताओ कि रामनवमी को हिंदू यात्रा निकाल रहे थे, उन पे पत्थर फेंके थे, उन्होंने दंगे किए थे, मारा था, काटा था, बंदूकें चलाई थी, और इतना सब होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करे? झूठ कम बोला करो, बाकी पहलने के लिए दुबे जी है यहाँ पे। एटमी कुव्वत के हामिल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता कई बरसों से कशीदा हैं, क्या इस कशीदगी का खात्मा अब मुमकिन हो सकेगा? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है भारत से। दुबे जी, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट में एक आम तासुर ये रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ खानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार भारत का दौरा दिसंबर 2013 में किया था, और इस वक्त उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर तआवुन ताल्लुकात के लिए एक रोड मैप पर भी काम किया था, लेकिन वो एक अलग दौर था जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, जो मसला कश्मीर हल करने के साथ ही तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश भी कर रहे थे। अब चूंकि मोदी हुकूमत है, उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसियों पर अमल पैरा है, तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? कि मौजूदा मोदी सरकार से चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए, आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। उसकी वजह ये है कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है, खसूसन ये जो पांच रियासतों के इंतखाबात हुए और इनमें इनको जीत मिली, इससे तो अब ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए हैं, और पाकिस्तान के साथ जो इनके जिस तरह के ताल्लुकात ये चाहते हैं वो नामुमकिन है, क्योंकि कश्मीर के मसले के बगैर, कश्मीर की आजादी के बगैर पाकिस्तान का किसी भी सूरत भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि शहबाज शरीफ के आने से उनकी कोई दोस्ती सी कोई पींगे बढ़ा सकेंगे और वो दोबारा कोई शादियां अटेंड कर सकेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब वो सूरत हाल है, और उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई लेना देना नहीं है।
फिजा, बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम, फौज और सब इदारे एक पेज पर हैं, और वो ये है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ होना है, हक़ खुद इरादियत के साथ होना है। कश्मीर कल भी आजाद होना था, कश्मीर आज भी आजाद होना है। कि मैं कहता हूँ कि खुद भारत के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं इनके अपने जुल्म की वजह से, ये भारत को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा, खुद नुकसान पहुंचेगा। ठीक है हामिद, आपकी बातों का जवाब लेंगे दुबे जी से। जी दुबे जी, फिजा हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है? सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सुनने की जरूरत नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत का मुसलमान बेहद खुश है और सरकारें बदलने में भी सक्षम है। भारत का मुसलमान वोट देता है, लोकतंत्र भारत में कायम है, जमहूरियत। अच्छा हामिद, आपकी तरफ आती हूँ, लेट हिम कंप्लीट। दुबे जी की बात खत्म हो जाए, हामिद आपकी तरफ मैं आती हूँ, आपसे जवाब लेना, आप दोनों गेस्ट हैं आज। दुबे जी की बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी 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 दुबे जी, रिजा जी, हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं। हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना दे। आपके यहाँ तो सुना है जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो हनी ब्रिज भी बना देते हैं। भाई ऐसी रईस ज्यादापन और ऐसा मनमानापन हमारे देश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात कर ले, लेकिन आपके यहाँ से संबंध बेहतर बनाने की बात की जा रही है और सबसे पहले कश्मीर का सिगुफा दिया जा रहा है, तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बताकर गए हैं, इमरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलकर गए हैं, आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा इकोनॉमी, एक मिनट इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, एक मिनट इकोनॉमी के हवाले से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुने। इकोनॉमी हर मुल्क को बेहतर करने की जरूरत होती है, लेकिन आप के साथ भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात होगी तो कश्मीर का मसला तो डिस्कस होगा क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप लोग काबिज है वहां पर। कश्मीर का मसला हल के बगैर आप लोगों से बात कैसे होगी? इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमी में तो जितनी डिबेट करें, मैं कहती प्रोग्राम्स कम पड़ जाएं, लेकिन मतलब मईशत बेहतर करने की किस मुल्क को फिक्र नहीं होगी? लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मईशत से पहले कश्मीर की बात होगी। जी हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी तरफ आती हूँ। जी हामिद, हामिद कश्मीर पे बात किए बगैर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात कैसे हो सकती है, जरा आप मुझे समझा दें। फिजा जी, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई नया राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके पास में कश्मीर के अलावा बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्या सारे मसले खत्म हो चुके हैं? क्या मौलिक समस्या कश्मीर है? और कश्मीर कोई समस्या नहीं है, कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है और सत्ता में आने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। कभी दुबे जी, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर के नाम पर चुनाव नहीं करेंगे। जज्बात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जज्बात उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कुछ ईद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है। हाँ, कश्मीर में आज भी कुछ ईद होता है, पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है उसको। अभी 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 कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है नई सरकार बने हुए पाकिस्तान में, आपको आने वाला वक्त बता देगा। और अगर ये सरकार कार्यकाल वैसे पूरा मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी जिस तरह की ये कॉकटेल सरकार बनी है, और अगर ये पूरा कर भी ले तो भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, बहुत कुछ करने के लिए है नहीं अब आपके राष्ट्राध्यक्ष के पास भी।
तो दोस्तों पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में फिजा खलीफा के लिए जो भी विचार चल रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक कमेंट करते हो वहाँ दो करो, दो करते हो वहाँ चार करो, और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दो। और आपके भाई का इंस्टाग्राम है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार उसको क्लिक करो, जाके देखो, अच्छा लगता है तो फॉलो कर लो, नहीं लगता है तो आप और हम जी तो रही हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।